अस्सलाम वालेकुम। ये असाइनमेंट हमारी असाइनमेंट नंबर 7 है, जो कि नेटवर्क स्निफर के ऊपर बेस करती है। तो इसमें मैंने दो तरह के नेटवर्क स्निफर कोड किए हैं। एक जो है वो प्योरली पाइथन की जो इंटरनल लाइब्रेरीज हैं उसकी बेस पे है, और सेकंड वन जो है वो स्केपी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को पहले कोड रिव्यू कर लेते हैं और देन उसके बाद फिर हम इनको प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। तो जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो ये सॉकेट क्रिएट करता है, और ये सॉकेट की जो टाइप होती है वो रॉ सॉकेट होती है। रॉ सॉकेट इसलिए ताकि ये प्रोमिस्कस एक्सेस ले सके नेटवर्क कार्ड का। ठीक है, और इसमें कोई एरर आए तो एरर देके प्रोग्राम एग्जिट कर जाता है। अगर एरर ना आए तो ये माई सॉकेट के अंदर जाकर वहाँ से डाटा को रिसीव करता है, उसको पैकेट में स्टोर करता है। ठीक है, और पैकेट की डिटेल फिर वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है कि उसका जो हेडर है, ठीक है, वो हेडर की लेंथ चूँकि 14 बाइट होती है, तो वो स्टार्ट से लेके 14 बाइट पैकेट के अंदर से उठाकर वो माई ई टी एच हेडर के वेरिएबल में ले आता है। ठीक है, इसी तरह से फिर उसका प्रोटोकॉल लेकर आता है, उसके टू नंबर जो एरिया है, बाइट है, वहाँ से इसी तरह से फिर वो सोर्स और डेस्टिनेशन मैक उठाता है। ठीक है, 0 से 6 और फिर 6 से 12 नंबर बाइट से, और फिर उसके बाद वो चेक करता है कि अगर ETH का जो प्रोटोकॉल जो उसने वहाँ से उठाया, अगर वो 8 है तो ये IP हेडर के तौर पर इसको पार्स आउट करे। 8 से मुराद ये है कि ये कोई IP प्रोटोकॉल का पैकेट है। इसी तरह अगर कोई 6 नंबर है तो फिर वो TCP प्रोटोकॉल, 1 नंबर है तो ICMP प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली डिकोडिंग ऑफ द पैकेट है, और अगर 17 नंबर है तो UDP प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली वो वहाँ से डिटेल उठाता है, और अगर इन तीनों में से कोई भी ना हो तो वो प्रिंट कर देता है कि प्रोटोकॉल अदर देन TCP, UDP और ICMP। ठीक, तो इस तरह से ये जो है बगैर किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के यूज़ किए हुए ये प्रोग्राम बनाया गया है, जो कि आपका रिव्यू करेगा आपका जो भी नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक आ जा रही है उसको। ठीक है, इसके साथ फिर जो दूसरा प्रोग्राम है वो स्केपी यूज़ करता है। इनके नेम की कन्वेंशन देख लें, ये स्मॉल कैप्स में nwsniffer.py है, और ये जो स्केपी वाला है प्रॉपर ये 007-nwsniffer.py है। तो इसमें क्या होता है कि रेलेवेंट इम्पोर्ट्स करने के बाद ये क्या करता है कि ये माई पैकेट मॉनिटर को एक्टिवेट करता है, और वो जो माई पैकेट मॉनिटर है इसको वो पैकेट मॉनिटर कॉल होता है, फिर माई पैकेट मॉनिटर जो है उस पैकेट को चेक करता है कि उसमें अगर तो TCP की लेयर है तो वो उसके जो हेडर है उसको सॉरी वो सबसे पहले तो यहाँ पे TCP प्रिंट करता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो इस वक्त डाटा जिस पे हम काम करने जा रहे हैं ये TCP का है। उसके बाद ये माई पैकेट TCP नाम के वेरिएबल फंक्शन को कॉल करता है, और वो उस पैकेट की ट्रांसलेशन करते हैं एज ए TCP पैकेट। ठीक है, इसको पैकेट मिलता है और ये अकॉर्डिंगली TCP के फॉर्मेट के मुताबिक इस पैकेट को डाइसेक्ट करके उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कर देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर वो जो पैकेट है वो UDP का पैकेट है, और इसी तरह से अगर वो पैकेट ICMP का पैकेट है, तो रेलेवेंट कॉल होते हैं आपके ये पैकेट्स, और उसके बाद ये
यानी कि ये रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शो कर देते हैं। इसमें अभी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन आ रही है। मैंने पहले जो ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया था इसमें ये सारे का सारा डाटा इसी एक ही गो में इसी एक ही मेन फंक्शन के अंदर था, ठीक है। तो लेकिन बाद में मैंने फिर इसको ट्रायल बेसिस के ऊपर शिफ्ट कर दिया स्टैंडर्ड किस्म के फंक्शन में। तो अब ये वाले जो कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसकी जो कंडीशन है ये ट्रू कॉल नहीं हो रही है, यहाँ से उड़ाया जा सकता है। लेकिन अभी मैंने इसलिए नहीं उड़ाया कि कहीं पे अगर इसमें कोई एरर आता कोई ये वो मसला होता, क्योंकि अभी मैंने बिल्कुल रिसेंटली कंप्लीट किया है ये वाला जो कोर्स है प्रोग्राम है नेटवर्क स्निफर वाला, तो ये भी यहाँ पे है, अदरवाइज इनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल पैकेट रिसीव होने के बाद जो उसका एक्चुअल काम रह जाता है, अगर वो TCP लेयर वाला पैकेट है तो वो प्रिंट करता है TCP और उसके बाद उस पैकेट को इस फंक्शन को भिजवा देता है। ये मैंने यहाँ से कोड ज़रा क्लियर करने के लिए अलग कर लिए हैं, और ये जब पैकेट TCP को जाता है तो TCP इसकी डाइसेक्शन कर लेता है, इसी तरह UDP कर लेता है और इसी तरह से ICMP कर लेता है। तो एक्चुअल जो इसका मतलब मैं अभी जो फाइनलाइज करने के टाइम पे ही हूँ सर, मैंने इसलिए इनको नहीं छेड़ा कि यार ये ना हो कि कहीं वो कोई मतलब इशू आए तो फिर मैं इस कोड से रिवर्ट बैक ना कर सकूँ। तो एक्चुअली यहाँ पर ये हो रहा है कि ये बेसिकली ये वाली लाइन सारी ख़त्म हो जाएंगी इसमें से, ठीक है। आपका फिलहाल जो माई पैकेट मॉनिटर है इसका कोड सिर्फ ये रह जाएगा कि इफ़ पैकेट हैज़ लेयर TCP तो ये प्रिंट करवा के TCP उस साथ 20 स्टेरिक्स, उसके बाद सिंपल इसके इस वाले फंक्शन को पैकेट ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाली लाइन के बाद फ़ौरन यहाँ पे, अगर उसकी लेयर में UDP है तो ये दो काम करो, उसके बाद इसके भी अगले वाले सारे फंक्शन मतलब ये यहाँ से डेल हो जाने चाहिए, ठीक है। ये मैंने फिर इसलिए रखे हुए हैं कि फिलहाल मैं इस पर काम कर रहा था तो मैंने कहा ये ना एरर आ जाए, तो फिलहाल इनको मैंने डिलीट नहीं किया। अदरवाइज इनकी कंडीशन मैंने ऐसे चेंज कर दी है कि ये फिलहाल ये दोनों कंडीशन इफ वाली एग्जीक्यूट नहीं हो रही। और इसी तरह फिर तीसरी ये वाली चीज़ होगी कि इफ़ पैकेट हैज़ लेयर ICMP तो देन ये वाले दो काम। तो अगर मैं आपको सिर्फ असाइनमेंट के हवाले से दिखाने के लिए दिखाऊं तो इसका ये जो कोड है ये सिर्फ इतना सा रह जाएगा, ये तो ये एक्चुअल कोड होगा कि माई पैकेट मॉनिटर जो है वो क्या करेगा कि वो बताएगा कि अगर तो TCP है तो ये पैकेट TCP वाले फंक्शन को भिजवा दो, अगर ये UDP टाइप का पैकेट है तो UDP वाले को भिजवा दो, और अगर ये ICMP का है तो ICMP वाले को भिजवा दो, और फिर उसकी डायसेक्शन और प्रिंटिंग जो है ना वो यहाँ पे रेलेवेंट अथॉरिटीज़ कर लेंगे, ठीक हो गया जी। तो ये एक्चुअली हमारा स्कैपी यूज़ करते हुए जो कोड है वो बनता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल फॉर द सेक ऑफ the further working on this program मैं इसको यहाँ से अभी डिलीट नहीं कर रहा। तो ये दो प्रोग्राम थे, अभी हम इनको प्रैक्टिकली चला के देखते हैं। अच्छा तो सबसे पहले हम चलाते हैं विदाउट स्कैपी वाला, तो ये देखें इसने डाटा पिक करना शुरू कर दिया, डिफरेंट तरह का डाटा जा रहा है और ये उसमें उसकी पूरी की पूरी डिटेल और विद पैकेट का जो डाटा वाला पॉइंट है वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं कंट्रोल सी दबाने से। तो ये देखें कि ये बता रहा था हर पैकेट जो ये पकड़ रहा है, ये लाइन जो है शो कर रही है कि यहाँ पे पैकेट स्टार्ट हुआ है और यहाँ अगली लाइन पे पैकेट एंड हो गया। तो बीच में डेस्टिनेशन मैक, सोर्स मैक, वरियन, IP हेडर लेंथ, टाइम टू लिव, प्रोटोकॉल, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, लेंथ, चेकसम और डेटा। जो ये वाली जो हमारी थी स्टैंडर्ड वाली कोडिंग, मतलब स्टैंडर्ड वाली से मुराद ये कि जिसके अंदर हमने स्कैपी यूज़ नहीं किया था, तो
इसके अंदर मैंने ये पूरे का पूरा पैकेट की डिटेल जो है आपको किसी भी पैकेट की वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करवा दी है प्रोटोकॉल के साथ, प्रोटोकॉल नंबर के साथ। हम देखते हैं इसने किसी और टाइप का कोई पैकेट पकड़ा हो। तो देखें जितने उसने पैकेट पकड़े हैं कुछ में डेटा है डेटा वाली फील्ड के अंदर, ठीक है, कुछ में खाली भी हैं, ठीक है। और खाली क्यों होंगे? क्योंकि वो ज़ाहिर है मे बी उसकी किसी की एक्नॉलेजमेंट जा रही हो किसी पैकेट के अगेंस्ट, तो इसलिए उसमें फिर ज़ाहिर है डेटा नहीं होगा, वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट होगा। एनीवे तो इस तरह से आप ये देखें कि ये उसने डेटा को हमें प्रॉपरली डिटेल में शो करवाया। ये वो प्रोग्राम है NW स्निफर वाला जिसने स्कैपी को यूज़ नहीं किया बल्कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम चला। फिर हम चलाते हैं अब स्कैपी वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो स्कैपी वाला प्रोग्राम चल पड़ा, ये सिर्फ उस पैकेट की डिटेल और ये टाइप ऑफ द पैकेट शो कर रहा है। हम यहाँ पर ये करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें तो ये देखिए अब हमें ये एक लाइन में डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें बता रहा है कि पैकेट की टाइप क्या है, UDP TCP जो भी पैकेट है, और देन उसके बाद उसका टाइम, उसके बाद उसका सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ना ये किसी भी पैकेट के बारे में ये प्रोग्राम मुसलसल शो कर रहे हैं स्निफ करके डेटा को। और हम यहाँ पे इसको ज़रा प्रैक्टिस भी करके देखते हैं, जैसा कि अभी हमने अपनी एक अलग असाइनमेंट बनाई थी जिसके अंदर हमने एक सिन फ्लड बनाया था जो कि google.com को सिन फ्लड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको चलाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ये पैकेट स्निफ होते हैं कि नहीं होते। तो ये देखें ये हमारा पैकेट स्निफर चल पड़ा, और ये देखें यहाँ पर अगर हम इसको पॉज ले पाते तो ये इस वक्त हमारा जो प्रोग्राम था वो 192.168.1.101 से सेंड फ्लड कर रहा था 216.58.209.142 जो कि हमने चेक किया था उस वक्त कि ये DNS क्यूरी के रिप्लाई में कि ये 216.58.209.142 ये किसका एड्रेस है, ये google.com का एड्रेस था। तो ये देखें ये हमारी 1234 पोर्ट से 80 नंबर पोर्ट ऑफ द गूगल के ऊपर ये जो है ना अटैक लॉन्च हुआ है। 192.168.1.101 हमने सोर्स IP में दिया था, ठीक है। तो ये इसको हम बंद कर देते हैं। तो ये देखें ये TCP की सारी पैकेट से आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल पिंग करके देखते हैं पिंग au.edu.pk को, ठीक है। हम पिंग लगाते हैं तो ये है 210.56.11.66, ठीक है। au ने शायद अपना पिंग ब्लॉक किया हुआ है, तो हम किसी और को फॉर एग्जांपल पिंग yahoo.com कर लेते हैं, ठीक है। तो yahoo का IP है 74.6.143.26। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये ICMP की ट्रैफिक आना शुरू हो गई है, और ये जो ICMP की ट्रैफिक है ये सॉरी पैकेट बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं कहीं पे। तो ये देखें 74.6.143.26 जो के हमारा ये याहू का जो IP है yahoo.com का 74.6.143.26 पे हमने ICMP की रिक्वेस्ट भिजवाना शुरू की थी। तो देखें इसने ICMP के अगेंस्ट, ठीक है,
सोर्स ये हमारे वाला रहा है आईपी, और डेस्टिनेशन में 74.6.143.26 इसने उसको कैच करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसी तरह हम फॉर एग्जांपल रैंडम किसी और को पिंग कर लेते हैं, हम कहते हैं microsoft.com, ठीक है, रीड एंड सेंड डॉट नेट है 172.67.139.229। तो यहाँ पर ये देखें, ये ICMP के पैकेट आना शुरू हो गए, तो हम इस प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं। तो ये देखें 172.67.139.229 जो कि रीड एंड सेंड का आईपी था, इस पे YCMP की जो रिक्वेस्ट जा रही है ये इसने यहाँ पे ICMP के अगेंस्ट कैप्चर करना शुरू कर दी। इसी तरह से ये कुछ TCP के पैकेट पकड़ रहा है, इसी तरह से ये और UDP के भी पैकेट इसके अंदर आ रहे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पैकेट को प्रॉपर स्निफ कर रहा है। तो ये था हमारा पैकेट स्निफर का डेमो, जो इसमें हमने दो तरह के डेमो दिए, एक था यूजिंग हमारा जो स्केपी है, स्केपी की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, और दूसरा जो था वो पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन के साथ था। थैंक यू सो मच।